हाँ हेलो गाइस, इस वक्त हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट पर मौजूद हैं। ये लगभग अगर देखा जाए तो ज़मीन से 2 किलोमीटर के ऊपर है। इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे प्रोफेसर अरशद साहब देंगे। तो अरशद साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे गाइस को भी बताएं। ये जगह जो है जहाँ पे इस वक्त हमें ये जॉर्ज एवरेस्ट का पीक कहलाता है, ये मसूरी रेंज का जो हमारा ये एक्चुअल सबसे पहले बताऊँ मैं आपको, ये जो हिमालय की जो श्रृंखलाएं शुरू होती हैं जी वो हमारा कोटद्वार हरिद्वार से शुरू हो जाता है, लेकिन जो स्टार्टिंग का हमारा जो नीचे का हिस्सा है उसको शिवालिक रेंज बोला जाता है अच्छा और उसको फूट हिल ऑफ हिमालय भी कहते हैं। अच्छा वहां से समझिए फूट हिल ऑफ हिमालय मीन्स ये हिमालय का गेटवे है, यहाँ से हमारा हिमालय समझिए कि स्टार्ट होता है, अच्छा और इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं ये लेसर हिमालय कहलाता है। ये लेसर लेसर हिमालय, हिमालय इसको क्यों कहते हैं? लेसर मीन्स मतलब इसका जो हाइट है भी उतना ज्यादा नहीं है, ये स्टार्टिंग है हिमालय की, इसलिए अच्छा इसको लेसर हिमालय कहते हैं। यहाँ अच्छा हिमालय के हमारे तीन पार्ट होते हैं, एक तीन तो पार्ट हमारा, कौन कौन से? एक तो फूट हिल हो गया हमारा जो नीचे वाला, शिवालिक उसको हम छोड़ दें, उसके अच्छा अलावा तीन पार्ट होते हैं हिमालय के हमारे, एक तो हमारा लेसर हिमालय है जो अच्छा हमारा ये मोरालेस जिस इस वक्त हम हैं यहाँ पे, अच्छा और इसके इसके ऊपर फिर जो है हमारा सेंट्रल हिमालय आता है, और फिर सेंट्रल हिमालय के बाद हमारा हायर हिमालय आता है। तो हम जिस वक्त यहाँ पे हैं ये हमारा लेसर हिमालय है, अब इससे हम जब नॉर्थ के डायरेक्शन में जैसे मूव करेंगे तो अच्छा हम जो है सेंट्रल हिमालय की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो फिर हम हायर हिमालय की तरफ जाएंगे। हायर हिमालय में जैसे हमको हाईएस्ट जो चोटियां मिलती हैं, जैसे अच्छा हमारा एवरेस्ट है सबसे एवरेस्ट है, हाईएस्ट है, फिर हमारा केटू है, K2 है, और इस तरीके से जितनी भी हाईएस्ट पीक है हमारी नंदा देवी है, नंदा जो देवी, जितने भी ग्लेशियर हैं हमारे, जैसे हमारा गंगोत्री है, यमुनोत्री है जहाँ से गंगा यमुना निकलती है, गोमुख, ये सारी चीजें हमारा नॉर्थ है कि जब तरह मूव करेंगे तब जी ये चीजें आएंगी। तो इस वक्त हम लेसर हिमालय के अंदर हैं, और ये जो हमारा ये मसूरी रेंज के अंदर ये एवरेस्ट का ये होता है पीक कहलाता है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है, से हमको जो है हिमालय की सबसे हाईएस्ट चोटियां भी दिखती हैं, अगर मौसम हमारा क्लियर हो तो यहाँ से दिख जाता है। और अगर आप देखें थोड़ा सा इस साइड में देखें, जी जी दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं। ये जो थोड़ा सा इवेपोरेशन की वजह से थोड़ा सा गर्मी में क्या होता है कि इवेपोरेशन हो जाता है, थोड़ा धुंधला हो जी जाता है, जी इसलिए मौसम की वजह से थोड़ा सा पहाड़ियां दिख नहीं रही हैं, दिख लेकिन मैं नहीं रही है आपको जी, दिखाएं, अगर इससे जो ऊंची पहाड़ियां दिख रही हैं वो चकराता की पहाड़ियां कहलाती हैं, चक्राता। अच्छा चकराता। और उसके फिर हम जो है और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा हायर हिमालय जो है दिखता है यहाँ से, लेकिन चूंकि आज थोड़ा सा धुंध है, धुंध इसलिए है कि इवेपोरेशन की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है इस वक्त ज्यादा यहाँ है पे, जी, और मौसम पूरा धूप निकली हुई है, इस वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, वरना बरसात के अंदर और थोड़ा मौसम और कूल हो तो मौसम जी एकदम क्लियर होता है, उस वक्त जो है हिमालय की चोटियां भी यहाँ से दिखती हैं जो पीक वाली चोटियां हैं। तो ये जॉर्ज एवरेस्ट, इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसको सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसको ढूंढा था, ढूंढा मीन्स इसकी मैपिंग किया था, ये लेसर हिमालय की मैपिंग जो है मैपिंग किया था ब्रिटिश अंग्रेज जी, ब्रिटिश रूल के अंदर इनको इन्होंने इसको पूरा मैप किया था, और फर्स्ट मैप इसका प्रिपेयर करके जो है हमारे पास दिया था, जो आज बहुत ही काम आता काम है, आता है कोई भी जियोलॉजिकल स्टडी हो या कोई भी आदमी जो है ट्रैवल करना चाहे तो उनके मैप के जरिए से आसानी से जो है कर चीज़ों को सकता है। हाँ पहुंच जाता है वहाँ पे। तो और उनका यहाँ पे एक म्यूजियम भी है जो आप देख सकते हैं, ये अच्छा, सामने जो जो है सामने दिख रहा है व्हाइट कलर ये का, व्हाइट कलर का, हाँ ये यहाँ पे उन्होंने अपना यहाँ पे वो ठहरे थे, इसलिए चलिए मैं इसे थोड़ा जूम यहाँ कर दे पे रहा हूँ हाँ जी, यही ना जो सामने दिख रहा ये है सामने जो ये जो व्हाइट ये व्हाइट, है, ये हमारे यहाँ पे वो रुके थे, इसलिए वहाँ पे अच्छा उनका म्यूजियम बनाया गया है, बहुत और वहाँ खूबसूरत लग पे रहा है। उनके मैप और उनकी चीजें वहाँ पे रखी हुई हैं। और ये अच्छा गोल सा ये दिख रहा है जी अभी, जी चूंकि सर्किल, ये सर्किल ये अभी गवर्नमेंट ने इसको टूरिस्ट स्पॉट को और बढ़ावा देने के लिए ये हेलीपैड के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, अच्छा अच्छा
तो क्योंकि ये यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा आने में जो है ट्रैकिंग करनी पड़ती है, गाड़ियाँ और जो आना थोड़ा दिक्कत है, इसलिए इसको हेलीपैड से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस वजह से इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट है कि इसको जॉर्ज एवरेस्ट के उनके ना मतलब उनके योगदान की वजह से और यहाँ पे वो आए थे और सबसे पीक पॉइंट है मसूरी का, इसलिए उनके नाम पे इसको रखा गया है। ये इसकी जो हिस्ट्री है। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, चलिए अब बैक होते हैं।